खबर शामिल करते हैं जकाबाद से। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जमहूरियत के तसलसल के लिए इलेक्शन होना नागुजेर है, सियासी जमातों को डायलॉग की तरफ आना होगा, डेढ़ लाख बरकरार रहा तो कोई और फ़ायदा उठा लेगा। जमात इस्लामी मुसलसल कोशिश में है कि मौजूदा बहरान को कम करने के लिए पार्लियामानी जमातों को एक मेज पर इकट्ठा किया जाए। सुबह सिंध के ज़िले जकाबाद में जमात इस्लामी के मकामी कायदीन और कारकुनान से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के मसले पर आज खुद नोटिस लेकर खुद को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इंतखाबात का मामला 23 करोड़ अवाम से जुड़ा हुआ है, बेहतर होता वो फुल कोर्ट तश्कील देते। उन्होंने मजीद कहा, तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि लोगों, आपका ये मुल्क, ये पाकिस्तान है, ये पहाड़ों और दरियाओं का नाम नहीं, ये चार सूबों का एक मजमुआ नहीं, ये पाकिस्तान, ये एक नजरियाती मुल्क है। इसके लिए करोड़ों लोगों ने जद्दोजहद की, लाखों लोगों ने खून के नजराने पेश किए, लेकिन 75 साल गुजर गए, एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम हमने नहीं देखा। ये रोज़ा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये तो इंडिया में भी लोग अदा करते थे, ये तो आज अमेरिका और चाइना और फ्रांस और बर्तानिया में भी लोग अदा करते हैं। फिर क्या मसला था कि लोगों ने अपनी जानों के नजराने देकर आपके लिए पाकिस्तान बनाया। उनको यही यकीन था कि एक ऐसा मुल्क होगा जहां की अदालतों में अदल और इंसाफ सबके लिए यकसां होगा, ये एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां सूदी निजाम नहीं होगा, ये एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां तबकाती निजाम तालीम और इस्तेसाली माशी निजाम नहीं होगा, ये वो मुल्क बनेगा जो दुनिया भर में जहां भी मुसलमान पर तकलीफ हो पाकिस्तान वहां पर हाजिर होगा, उनके लिए साहिबान और छतरी की तरह मौजूद होगा। लेकिन 75 साल गुजर गए, आप मुझे बताएं क्या हमारी अदालतों में कुरान और हदीस का निज़ाम है? अल्लाह का फैसला है, जो मेरे नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल काफिरून। लेकिन हमारी अदालतों में तो कुरान पर फैसले नहीं होते। आप जाकर चीफ जस्टिस से पूछे, आप हाई कोर्ट के जजेस से पूछे कि जब यहाँ मुदई और मुदाले में मुसलमान और जज भी मुसलमान, तो फिर कुरान के मुताबिक आप फैसले क्यों नहीं करते? क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहुल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये हक और सच के दरमियान फैसला करने वाला यही वाहिद किताब कुरान है। लेकिन हमारी अदालतों में कुरान करीम नहीं है, फिर कैसे आप मुसलमान हैं? आज अभी क़ियामत की घड़ी नहीं आई है, लेकिन अपनी ज़ात से पूछे कि मैं मुसलमान हूँ तो हमारी अदालतों में कुरान का निज़ाम क्यों नहीं है? अल्लाह